हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। और आज का हमारा जो चैप्टर है ना, उसका नाम है द इंटरव्यू। एंड तुम्हें ये चीज जानकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगना चाहिए कि ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये एक एग्जर्ट है बड़े से मोटे से बुक का। एंड अजीब इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स है तुम्हारे बुक में जो की एग्जर्ट रह चुके हैं बड़े से मोटे से बुक का। अरे तुम्हें एग्जर्ट का मतलब नहीं पता? एक बड़ा सा मोटा सा बुक होता है जिसके एक छोटे से पार्ट को कॉपी कर कर तुम्हारा चैप्टर बना दिया जाता है। अब तो समझ में आ गया ना। तो ये जो द इंटरव्यू चैप्टर है ना, ये एक बड़े से बुक, जिस बुक का नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, इसका एग्जर्ट है जिसे एडिट करा था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि जब क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ऑथर है तो यहाँ पे रिटन लिखा हुआ होना चाहिए ना, यहाँ पे एडिटेड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस बुक में ज्यादातर इंटरव्यूज के बारे में बातें की गई है और ऑब्वियसली क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने थोड़ी ना सारा इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बस इंटरव्यूज को एडिट कर कर बुक के फॉर्म में हमें प्रेजेंट करा है। या फिर अगर ध्यान से सोचो तो इस बुक में हमें बस एक चैप्टर ही पढ़ना है, तो मतलब वही चीज, समझ रहे हो ना तुम लोग बात को। तो हमारे ऑथर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हिस्ट्री के स्टूडेंट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। एंड ही वाज आल्सो अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 इयर्स। प्राइवेट आई बेसिकली एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर का नाम है। एंड ही हैज आल्सो रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर एक तरह का मैगजीन होता है जिसमें डिफरेंट कल्चर, फैशन, पॉलिटिक्स वगैरह को दिखाया जाता है और अदर एंटरटेनमेंट चीजें। तो हमारे जो ऑथर है ना, उन्होंने मेनली हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज के बारे में लिखा है इन वैनिटी फेयर में, मतलब कि मैगजीन्स में। तो चलो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले आई नो कि तुम लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए होगे ये जानने के लिए कि आखिर द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में था क्या। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज थे ना 1859 से लेकर प्रेजेंट डे, मतलब जिस दिन ये बुक पब्लिश हुआ उस दिन तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज थे उसे इसमें लिखा गया। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई तू चैप्टर पढ़ाना, क्यूरियोसिटी का ही तेल लेने का एग्जाम है। आई नो पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर का ही पार्ट था क्योंकि ऑथर के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और अगर नहीं पता होगा ना तो एग्जाम में तुम्हारी ले ली जाएगी। आंसर सीट तुम्हारे लिखने से पहले क्या 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 सोचने लगते हो यार। तो चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। ऑथर कहते हैं कि इंटरव्यू के इन्वेंशन को कुछ 130 साल हो चुके हैं और जर्नलिज्म में तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। जर्नलिज्म पता है ना, जर्नलिस्ट तो पता ही होगा, वही यार टीवी एंकर जो महापुरुष लोग न्यूज में आगे आके नहीं बैठे रहते हैं उन्हें जर्नलिस्ट कहते हैं। तो उनके बीच जो इंटरव्यूज है ना वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। फिर ऑथर कहते हैं कि आज के टाइम में, मतलब जिस टाइम पे ये स्टोरी या फिर ये चैप्टर या फिर ये बुक लिखा जा रहा है, उस टाइम पे जो लोग भी लिटरेट है ना, मतलब मेरे जैसे लोग मतलब हमारे जैसे लोग जो लोग भी लिटरेट है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं एक या दो इंटरव्यू तो पढ़ा ही होगा। अब तुम लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑथर यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पढ़ा होगा, हम लोग तो इंटरव्यू देख भी सकते हैं ना। तो जिस टाइम पे ये स्टोरी लिखा जा रहा है ना, उस टाइम ऐसा कुछ सोशल मीडिया वगैरह, इंटरनेट वगैरह था नहीं। उस टाइम पे लोग इंटरव्यूज को रीड किया करते थे, पढ़ा करते थे न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स एंड बुक वगैरह में। ऑथर ये भी कहते हैं कि आज के टाइम में, मतलब मैंने बता दिया जिस टाइम पे ये स्टोरी लिखा जा रहा है, ये चैप्टर लिखा जा रहा है, इस टाइम पे इंटरव्यू लेना बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो चुकी थी। हजारों सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू ली जा चुकी थी और कुछ की तो बार बार ली जाती थी इंटरव्यू। और क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज्यादा इंटरव्यूज ली जाती है तो इसलिए इसके ऊपर लोगों का ओपिनियन भी डिफरेंट होता है। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं, एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ मानते हैं, तो वही कुछ लोग इसे बहुत बुरा मानते हैं या बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मानते हैं। जैसे कि जो लोग इसे अच्छा मानते हैं ना, वो लोग ये मानते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ ट्रुथ होने के साथ साथ ये एक आर्ट है, मतलब इंटरव्यू लेना और देना एक आर्ट होता है। और जो लोग इसे बुरा मानते हैं मेनली वो लोग खुद सेलिब्रिटीज होते हैं। जो सेलिब्रिटीज जो खुद इंटरव्यू देते हैं ना, वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इंटरव्यू देना या फिर इंटरव्यू में बैठना उनके लाइफ में अनवांटेड इंट्रशन की तरह है, मतलब कि इंटरव्यू उनके प्राइवेट लाइफ को डिस्टर्ब करती है और साथ ही साथ ये उनकी इमेज को भी डिमिनिश करता है क्योंकि अगर उनसे कुछ गलत उनके मुंह से निकल जाता है। एंड हम सबको पता है कि जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो ऐसे सवाल पूछता है जिससे उनको कुछ तड़का मिले। एंड इस तड़के की वजह से वो जो सेलिब्रिटी है ना, उसका लाइफ थोड़ा खराब हो जाता है या उन्हें हेट मिलने लगता है। जैसे कि तुम्हें पता है पुराने जमाने में ये माना जाता था ना कि अगर कोई इंसान आके तुम्हारा पोर्ट्रेट, मतलब कि तुम्हारा कोई तस्वीर बना लेता है, फोटो बना लेता है, तो इसका मतलब वो इंसान तुम्हारा सोल, मतलब कि तुम्हारा आत्मा चुरा के भाग जाता है। तो ऐसे ही जो लोग इंटरव्यू को गलत ठहराते हैं या फिर बुरा मानते हैं, मतलब जो सेलिब्रिटीज होते हैं मेनली, उन लोग को भी ऐसा लगता है ना कि ये जो इंटरव्यू है वो उनकी आइडेंटिटी को स्टील कर रहा है, चोरी कर रहा है और इन अदर हर वे तुम कह सकते हो आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर खराब कर रहा है। इसके बाद ऑथर हमें कुछ लोगों के थॉट्स बताते हैं इंटरव्यू के ऊपर। एक इंसान थे जिनका नाम था V.S. नायपॉल। वो ऐसा मानते थे ना कि इंटरव्यू देने से कुछ लोग वुंडेड हो जाते हैं, मतलब कि कुछ लोगों की आइडेंटिटी को चोट पहुंचती है एंड इंटरव्यू देने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी का एक पार्ट खो भी देते हैं। तो अगर मैं तुम लोग को जनरल टर्म्स में बताऊं तो देखो, ऐसा मान लो कि अगर कोई इंसान इंटरव्यू दे रहा है तो वो अपने बारे में अगर कुछ चीज बताता है, कुछ पर्सनल चीजें बताता है, तो वो तो अब सब पब्लिक को पता चल गया ना, वो तो अब पर्सनल रहा नहीं, वो तो अब प्राइवेट रहा नहीं। तो उस इंसान ने अपने आइडेंटिटी का वो पार्ट तो पूरा पब्लिक कर दिया, मतलब अपने से खो दिया। तो यही चीज V.S. नायपॉल अपने वर्ड्स में कहना चाहते थे। ऐसे ही जो लुइस कैरोल थे जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा है, माना जाता था कि उन्हें हॉरर ऑफ इंटरव्यू था एंड वो कभी भी किसी को भी अपना इंटरव्यू लेने नहीं देते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर वो इंटरव्यू देंगे तो वो काफी ज्यादा लायोनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब कि उन्हें बहुत ज्यादा पब्लिक अटेंशन मिलने लगेगा, लोग उनसे आके ऑटोग्राफ लेने लगेंगे, ज्यादा बातें करने लगेंगे। तो इसलिए वो अपने आप को इंटरव्यूअर से दूर रखते थे, इवन जान पहचान के लोगों से भी अपने आप को दूर रखते थे एंड वो अपने आप को ऐसे लोगों से भी दूर रखते थे ना जो उनसे इंटरव्यू लेने आते थे, मतलब अपने फैन से ही अपने आप को दूर रखते थे। आई जस्ट वांट टू से अगर वो इंट्रोवर्ट थे तो इसमें इंटरव्यू की क्या गलती है यार। ओके चलो पॉइंट पे आते हैं। और उसके बाद जब वो इन सब लोगों से दूर चले जाते थे और उसके बाद वो सेटिस्फैक्शन और अम्यूजमेंट के साथ, मतलब काफी खुशी से, काफी सेटिस्फाइड से, काफी हैप्पी होकर वो अपने बहुत ज्यादा क्लोज वंस को ये स्टोरीज बताते थे ऑफिस सक्सेस इन साइलेंस, कि वो कैसे इंटरव्यूअर से और कैसे अपने एक्विंटेंस से, मतलब जो उनके जान पहचान के लोग हैं या फिर अपने फैंस से कैसे दूर रहते थे। ये सब चीजों के बारे में वो बताते थे अपने बहुत ज्यादा क्लोज्ड वंस को। उसके बाद ऑथर हमें रुडियार्ड किपलिंग के व्यूज बताते हैं जो कि खुद ऑथर है जंगल बुक के। तो जो रुडियार्ड किपलिंग थे ना, वो तो और भी ज्यादा बुरा मानते थे इंटरव्यूज को और इंटरव्यूअर से तो और भी बहुत ज्यादा दूर रहते थे। और उनकी जो वाइफ है कैरोलिन, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि 14 अक्टूबर 1892 में उनका पूरा दिन खराब हो गया था इंटरव्यू के वजह से, एक्चुअली में दो इंटरव्यूअर के कारण जो कि बोस्टन से उनके पास आए थे। साथ ही में वो बताती है कि उनके जो हस्बैंड है ना, वो एक इंटरव्यूअर से रीजन शेयर करते हैं कि वो क्यों इंटरव्यूज में नहीं आते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूज को इमोरल मानते हैं, गलत चीज मानते हैं। वो मानते हैं कि इंटरव्यू लेना एक बहुत बड़ा क्राइम है और जो लोग भी इंटरव्यू लेते हैं ना उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू लेना बहुत ज्यादा डरपोकों का काम है और बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग काम है। कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल मैन कभी भी इंटरव्यू ना देगा ना ही लेगा। वो मानते थे कि इंटरव्यू देना या फिर लेना एक असॉल्ट के बराबर है, मतलब तुम समझ रहे हो ना, वो इसे बहुत बड़ा क्राइम मानते थे। उसके बाद जो ऑथर होते हैं ना, वो सार्केस्टिक वे से मजा लेते लेते कहते हैं कि येट किपलिंग जो थे ना, उन्होंने खुद भी कुछ टाइम पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था, वो भी कुछ साल पहले ही। इसके बाद ऑथर हमें H.G. वेल्स के व्यू पॉइंट हमें सामने रखते हैं इंटरव्यू को लेकर। तो एक बार H.G. वेल्स ने इंटरव्यू को ऑडियल, मतलब बहुत ही ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस से रिफर करा था। फिर ऑथर कहते हैं बट फिर भी ये कई बार इंटरव्यू देते थे। फिर ऑथर ये भी कहते हैं कि इसके 40 साल बाद उन्होंने खुद भी एक फेमस इंसान जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन, उनका इंटरव्यू लिया था। जोसेफ स्टालिन, अच्छे से नाम को याद रखना क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नाम है एंड बहुत ही ज्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो नेम्स है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। उसके बाद ऑथर हमें सॉल बेलो के बारे में बताते हैं जिन्होंने कई बार अलग अलग ओकेजन्स पे इंटरव्यू दिया था। पर एक बार वो कहते हैं कि इंटरव्यू बिल्कुल द थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप जैसे हैं, मतलब कि जिस तरह से अगर कोई हमारे विंडपाइप को दबाए, मतलब कोई हमारे गले को दबाए तो जिस तरह का घुटन हम लोग को महसूस होता है ना, बिल्कुल वही सेम टू सेम घुटन उस इंसान को महसूस होता है जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है। स्पेशली वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तब उन्हें इस टाइप का घुटन फील होता है। फिर ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग भले ही इसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला कहे, बट इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यू के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने के बावजूद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है कम्युनिकेशन का। जैसे कि डेनिस ब्राइन कहते हैं कि इंटरव्यू से ही हमें अपने कंटेम्परेरीज का, मतलब जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में पता चलता है क्योंकि इंटरव्यू के थ्रू ही हम उन्हें समझ पाते हैं। फिर कह सकते हो इंटरव्यू के टाइम में ही हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में कैसे हैं। इंटरव्यू के टाइम में ही हमें एक इंसान के बारे में वैसी चीजें पता लग, जिन चीजों को हम कभी भी सामने से जाकर नहीं पूछ सकते हैं या फिर जिन चीजों के बारे में हमें नॉर्मली कभी पता नहीं लग सकता है। और क्योंकि एक इंटरव्यू में जब एक इंसान दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछता है और उस वक्त उन्हें बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं या फिर उस वक्त वो सारी चीज लिखी जा रही होती है, रिकॉर्ड की जा रही होती है, तो उस टाइम पे इंटरव्यूअर के पास बहुत ज्यादा पावर होता है, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है और सामने वाले को आंसर देना ही पड़ता है, मतलब कि उस वक्त इंटरव्यूअर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि उस वक्त वो जो इंटरव्यूअर है उसके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर और इन्फ्लुएंस होती है, मतलब वही ऐसा पावर जिसे कभी देखा या सुना ना गया हो, मतलब मजाक कर रहा है। एंड दिस इज हाउ हमारा पार्ट 1 एंड होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं बताया था क्या, ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैंने आज तुम लोग को पार्ट 1 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और अगले वीडियो में मैं तुम लोग को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो के अपलोड होने के 3 से 4 दिन बाद ही तुम्हारा पार्ट 2 भी आ जाएगा, ट्रस्ट मी। एंड अगर तुम्हें यहाँ तक डिटेल में क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, तो डू लाइक एंड शेयर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी इंफॉर्मेशन भर भर के ज्ञान इस चैनल में ऐसी बहुत ज्यादा फैली जाती है, बस टॉपिक मिलना चाहिए ज्ञान फैलने के लिए, पूरा फैल देता हूँ मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Annabelle, and welcome to my tea party. Cookie?